यूपी सिटी न्यूज। क्या आपको पता है कि भारत के सबसे बड़े सोने के सिक्के की ढलाई मुगल बादशाह जहांगीर के समय हुई थी। जहांगीर का शासनकाल 1569 से लेकर 1627 तक था। 12 किलोग्राम वजनी इस सिक्के की कीमत 1000 मोहर थी। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जहांगीर ने ये 1000 मोहर का सिक्का ईरानी राजदूत जमील बेग को दिया था। सन 1980 दशक के अंतिम दिनों में भारत सरकार की चिंता तब बढ़ गई जब उसे पता चला कि स्विट्जरलैंड में ऐतिहासिक धरोहर और राष्ट्रीय खजाने की एक अनमोल चीज नीलाम होने जा रही है। नीलामी ऐसे सिक्के की होने जा रही थी जो न सिर्फ खरे सोने का बना था बल्कि सबसे बड़ा सिक्का था। 12 किलोग्राम वजनी इस सिक्के की ढलाई मुगल बादशाह जहांगीर के समय हुई थी। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जहांगीर ने ये 1000 मोहर का सिक्का ईरानी राजदूत जमील बेग को दिया था। ये सिक्का नीलामी में कैसे पहुंच गया ये पता करने में समय लगा। जहांगीर की सोने की मोहर सारे विश्व में चर्चा का विषय बन गई थी। विडंबना यह है कि इस सिक्के को नीलामी के लिए रखने वाला और कोई नहीं बल्कि मुगलों का पुराना जागीरदार और हैदराबाद का अंतिम निज़ाम मुकर्रम जाह था जो दिवालिया हो चुका था। मुगल अपनी अकूत संपत्ति दौलत और शानो शौकत के लिए जाने जाते थे। जितने हीरे पन्ने ताज और जेवर उनके पास थे दुनिया में किसी के पास नहीं थे। उनके पास इतनी दौलत आर्थिक खुशहाली और उनके बड़े साम्राज्य की वजह से आई थी। तभी इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जहांगीर और शाहजहां के समय में सोने की कीमती सिक्कों की ढलाई एक आम बात थी। मुगल मोहर अथवा सोने के सिक्के अलग अलग कीमतों के होते थे। जहांगीर के शासनकाल में 100, 200, 500 और यहां तक कि 1000 मूल्य के सिक्के भी बनते थे। कम मूल्य के सिक्कों का इस्तेमाल जहां रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए होता था वहीं अधिक मूल्य के सिक्के उन महत्वपूर्ण अधिकारियों को दिए जाते थे जिन्होंने शाही सेना में खास योगदान दिया हो। इतिहास में सोने के 1000 मोहर का उल्लेख मिलता है। जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा तुझक ए जहांगीरी में लिखा है कि उन्होंने 1000 का सिक्का ईरान के राजदूत जमील बेग को तोहफे में दिया था। जहांगीर के समय के खूबसूरती से बनाए गए सोने के 12 किलोग्राम के इस सिक्के से बड़ा सिक्का कभी बना ही नहीं था। इस सिक्के का व्यास 12 सेंटीमीटर है और इसे डिज़ाइन करने में काफ़ी कारीगरी लगी होगी। सिक्के के बीच में बादशाह का नाम और खिताब अंकित है। इसके आसपास दो पंक्तियां लिखी हुई हैं जो इस तरह हैं, बाहुक्म शाह जहांगीर याफ्त सद जेवर बनाम नूरजहां बादशाह बेगम जर, यानी जहांगीर के हुक्म से मुगल बादशाह की खातू ने अव्वल बेगम नूरजहां का नाम लिखे जाने से इस सोने की खूबसूरती में 100 गुना इजाफा हो गया है। सन 1987 तक माना जाता था कि ये सिक्का मौजूद नहीं है लेकिन जब स्विट्जरलैंड से नीलामी की खबर आई तो लोगों में उत्सुकता पैदा हो गई। ये सिक्का स्विट्जरलैंड कैसे पहुंचा जब इस बात की जांच पड़ताल की गई तो ये कहानी सामने निकल कर आई। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 1000 मूल्य के सोने का सिक्का जहांगीर ने नवाब गाजीउद्दीन खां सिद्दीकी बहादुर फिरोज जंग प्रथम को तोहफे में दिया था। इनके पुत्र निज़ाम उल मुल्क ने आसफ जाही राजवंश की स्थापना की थी। 2 शताब्दियों से ज़्यादा समय तक ये सिक्का निज़ाम की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथों में जाता रहा और आखिरकार ये मुकर्रम जाह के पास पहुंच गया जो 8वें निज़ाम थे। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जब नीलामी रोकने की कोशिश की तो मुकर्रम जाह के वकीलों ने दलील दी कि सन 1947 के पहले जो प्राचीन वस्तुएं भारत से बाहर ले जाई जा चुकी हैं उन पर सन 1947 के बाद से बना कानून लागू नहीं हो सकता। मुकर्रम जाह की माँ दुर्र शेहवार ये सिक्का सन 1947 के पहले लंदन लेकर चली गई थी। बहरहाल सिक्के की नीलामी हुई और इसे एक अज्ञात व्यक्ति ने 1 करोड़ डॉलर में खरीद लिया। आज जहांगीर का 1000 मोहर का सिक्का वापस तिजोरी और संख्यात्मक दुनिया में चला गया है जहां यह फिर से कभी देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को, अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध। यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।